हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में, जिसमें आपको अलग अलग वेरियस टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पे सबसे बेसिकली बात क्या होती है कि बुक्स को पढ़ने का, क्योंकि अगर आप जैसे ही हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको जो बुक्स है वो परचेस करने के लिए कहा जाता है, या फिर कभी कभी आपको लाइब्रेरी से जो भी टॉपिक से आपको उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस समय आपके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होता कि आप इस बुक को पढ़ोगे तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अलग अलग जो रेफरेंस बुक है उसको पढ़ना पड़ता है और उसके अंदर से जो भी आपके टॉपिक्स है उसको कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल या एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे आपको तीन चार जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, उसमें अलग अलग बुक्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो केमिस्ट्री के अलग अलग जो ब्रांचेस है उनके अंदर अलग अलग तरह की के जो केमिस्ट्री है उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती है। यानी आप यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अलग अलग जो नेम रिएक्शन होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर हो तो उस समय आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में होता है उसके अंदर बहुत कम टेक्स्ट होता है और उससे आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, अलग अलग रेफरेंस बुक को पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा बुक्स के बारे में बताया गया है कि ये बुक्स किस कौन कौन से लोगों के लिए सुटेबल है, जैसे एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, ठीक है। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे आप कंटेंट भी देख सकते हो कि कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या है, स्ट्रक्चर है, रिएक्टिविटी है और मैकेनिज्म है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, रिएक्टिविटी है और मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनर्जेटिक काइनेटिक्स एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द सैचुरेटेड कार्बन आइटम, कार्बोकटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम एंड देयर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ द कार्बन डबल डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कार्बन डबल बॉन्ड ओ, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, देन कार्बेनियन एंड देयर रिएक्शन, रेडिकल्स एंड देयर रिएक्शन, सिमेट्रिक कंट्रोल रिएक्शन, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको वेरियस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो वो आप चाहे बैचलर्स के अंदर पढ़ रहे हो या फिर आप अगर मास्टर के अंदर पढ़ रहे हो, तो इसमें से आपके जो टॉपिक्स है वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का जो हमारा बुक था। तो अगर आप इस बुक को एक्सेस करना चाहते हो, इस बुक को पढ़ना चाहते हो, इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप सिंपली हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही और भी बुक चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से बहुत से ऐसे अनेक बुक हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।